प्रणाम। शरीर के अंदर कुछ वेग धारणीय होते हैं, कुछ वेग अधारणीय होते हैं। अक्सर लोग अधारणीय वेग को भी धारण कर लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को बहुत मोटा नुकसान होता है। 13 प्रकार के वेग जिनको हमें नहीं रोकना चाहिए, जिनमें श्वास, मूत्र, पखाना यानी कि टॉयलेट, नींद, आंसू, शुक्र यानी कि वीर्य, प्यास, भूख, अधोवायु यानी कि नीचे से अगर गैस जारी हो, पास हो रही हो तो रोकना नहीं चाहिए, वमन, छींक, ढकार और जिम्बाई, ये 13 वेग हैं। क्योंकि सांस यदि हम रोकते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर की प्राणवायु है। इसी प्रकार जो लोग पेशाब को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, उनको प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट या पेशाब में इन्फेक्शन होने के बहुत चांस रहते हैं। जो लोग लैट्रिन को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, उनको गैस और सिर दर्द बहुत तेज़ी से सताने लगता है। जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं ले पाते या जो नींद रोकते हैं, उनको जम्हाई और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा सताता है। बहुत से लोग आंसू को रोक लेते हैं। आंसू नहीं रोकने चाहिए, क्योंकि इसके रोकने से आँखों के रोग और पागलपन तक सताने लगता है। बहुत से लोग संभोग के समय शुक्र रोकने की इच्छा करते हैं या शुक्र रोकते हैं, या कुछ इस प्रकार की दवाई लें जिनसे शुक्र रुकने लगे, उनको प्रोस्टेट कैंसर की और पेशाब में इन्फेक्शन की बहुत तेज़ी से दिक्कत सताती है। इसी प्रकार जो लोग प्यास रोकते हैं, उनका कफ तेज़ी से बढ़ता है, कान के और मुंह के रोग सताने लगते हैं। जो लोग भूख अपनी रोकते हैं, उनको शरीर में कमजोरी बहुत तेज़ी से आती है और उनकी नज़र कमज़ोर होने लगती है। इसी प्रकार जो लोग अधोवायु को, मीटिंग में बैठे हैं, गैस पास होने को हो, वो रोकते हैं तो उनको पेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत सताने लगती है। उनको कब्ज के साथ साथ गैस और वायु ऊपर की ओर बढ़ना, उल्टी इत्यादि आने की इच्छा बन जाती है। इसी प्रकार उल्टी, वमन, कुछ लोग वमन को रोकते हैं, उसको रोकने से अरुचि और पीलिया तक हो जाता है। बहुत से लोगों को छींक आती है, छींक रोक लेते हैं तो छींक रोकने से हमारे अर्धांग वायु की दिक्कत बनती है, आधे हिस्से में वायु बढ़ जाती है और कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तक हो जाती है। डकार, इसी प्रकार बहुत से लोग जो डकार रोकते हैं, उनको खाने के प्रति अरुचि होने लगती है। और 13वां है जम्भाई। जो लोग जम्भाई रोकते हैं, उनको गर्दन के पीछे दर्द, सर्वाइकल और बहुत ज़्यादा कमजोरी और पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है।